उपस्थित क्षेत्रीय बंधुओं और क्षेत्राणियों, कल जो विषय अपन ने आरंभ किया था हमारा ध्येय, उसको आज पूर्ण करेंगे। अपन विचार कर रहे थे क्षत्रिय के गुणों पर, तो क्षत्रिय के छह गुण अपन ने देखे। पहला गुण क्या था? शौर्य। दूसरा तेज। तीसरा धैर्य। चौथा दक्षता। पांचवा युद्ध से नहीं भागना। और छठा दान देना। सातवां गुण है ईश्वर भाव। जैसा ईश्वर में भाव है वैसा ही भाव क्षत्रिय के अंदर होना चाहिए। इस बात पर आप विचार करें, उससे पहले भाव क्या होता है ये हम हमारी समझ में आना चाहिए। ये भाव क्या है, ये कहां से पैदा होता है और कैसे बढ़ता है? भाव है, विचार से पैदा नहीं होता। बुद्धि का बैरी है ये भाव। ये स्वभाव में से पैदा होता है। भाव कहां से पैदा होता है? स्वभाव में से। और स्वभाव क्या है? स्वभाव कहां से आता है? हमारे पास पूर्व जन्मों में हमने जो भी कुछ अच्छे बुरे काम किए उनका संग्रह हमारे प्राण के पास रहता। मैं मर गया, मेरा प्राण जाकर के दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाएगा, फिर वो भी मर गया, वो तीसरे गर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाएगा। तो इस भाव के पास पिछले अनेक जन्मों में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए वो मौजूद है, उनसे हमारा स्वभाव बनता है। अगर हमने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, सात्विक कर्म किए हैं, तो हमारा स्वभाव कैसा है? सौम्य स्वभाव है, गर्म स्वभाव है। और पिछले जन्मों में हमने खोटे कर्म किए हैं तो हमारा स्वभाव कैसा है? उग्र है, झगड़ालू है, लड़ाई करने वाला है। ये स्वभाव काय से बना? हमारे पूर्व जन्म के कर्म से। स्वभाव यानी मेरा खुद का बनाया हुआ भाव है। तो ये भाव की उत्पत्ति कहां से हुई? हमारे स्वभाव के अंदर। ये भाव हमको क्या सिखाता है? ये मेरा है, जो भी कुछ इस भाव के अंदर है वो किसी बाहर से आई हुई चीज नहीं है, वो मेरी चीज है, मेरे अंदर है। कहां है वो? उसका उद्गम स्थल है हृदय, जहां प्राण रहता है। लेकिन हमारे पास जो स्वभाव है उस स्वभाव से हम हमारे उद्गम स्थल तक नहीं पहुंचते। वो पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म हमको इस स्वभाव के माध्यम से, इस भाव के माध्यम से बांधे हुए रखते हैं। और उनसे बने हुए अपन इस जीवन के अंदर चल रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए हम ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन यथार्थ में हम कुछ कर ही नहीं रहे। वो पूर्व जन्म का अच्छे लोग हमारे साथी थे जो गुरुजन के, वो यहां बैठे, यहां और इतने सारे लोग क्यों नहीं आए? उनका हमारे पूर्वजन के स्वभाव से कोई संबंध नहीं था। और हमारे पूर्वजन के वो साथी जो हमारे खोटे कर्मों के साथी थे वो भी हमारे को खींचते हैं अपनी तरफ, हमको कामयाब दिलाते हैं। हम कैंप में आने के लिए तैयार होते हैं तो कोई न कोई परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। एक उदाहरण बताता हूं आपको, एक अपने बिहार का स्वयंसेवक है, इंजीनियर है, उसकी फाइनल परीक्षा
कैंप शुरू हुआ उसके 3 रोज पहले खत्म हो गए, और वो पक्का वादा करके गया था कि मैं पूरा ओटीसी से लूंगा, उसने ड्रेस भी बनवा ली सब कर। अब वो वहां से चला जहां से वो पढ़ता है वहां से, तो उसके पूर्वजन्म का एक पाप साथ लग गया। मैं भी चलूंगा, कहां चलूंगा, कैंप में। जयपुर आ गया वो, कैंप शुरू हुआ उसके 3 रोज पहले। अब वो पाप उसको उड़ा के ले जाता है कि अब 2 दिन बाकी है, आबू सेल कर रहा है, और वो दोनों को दोनों आबू में पड़े, कैंप में नहीं आए। तो हमारे जो पूर्वजन्म के पाप है वो हमको अच्छी जगह जाने से रोकते हैं, और हम क्यों रुक जाते हैं, उनके साथ हमारा भाव बना हुआ है। इस जन्म में चाहे कम बनाओ, लेकिन पूर्व जन्म में उससे ज्यादा भाव बना हुआ था। इसलिए लोग कहते हैं कि खोटे कर्मों के जो सहयोगी होते हैं, अपन कोई गुंडागिरी करें, बदमाशी करें, शराब पिए, व्यभिचार करें, उन कर्मों के अंदर जो सहयोग देने वाले हैं वो ज्यादा मजबूत आदमी निकलते हैं। भले काम करने वाला सहयोगी है वो तो फिर भी पीछे हट जाएगा, खोटे कर्म करने वाला का जो सहयोगी है वो पीछे नहीं हटेगा, उसके अंदर भाव ज्यादा होता है। तो हमारे सामने समस्या ये है कि हमारे खोटे कर्मों के जो पूर्वजन्म के साथी हैं वो हमको बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेते हैं, और हम अपने आप को रोक नहीं पाते उनके पास जाने। ये भाव हम जन्म के साथ लेकर के आते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के साथियों के साथ। ये भाव कहां से आ रहा है हमारे पास, हमारे स्वभाव में से आ रहा है। ये भाव है, ये विचार का दुश्मन है, ये सोचने नहीं देता हमको, ये फैसला नहीं करने देता हमको कि यहां जाऊं मैं या यहां जाऊं। वो भाव जबरदस्ती खींच करके हमको अपनी तरफ ले जाता है। इसलिए कहा है कि भाव है जो विचार का बैरी। ये स्वभाव में से उत्पन्न होता है और बुद्धि को आगे बढ़ने से रोकता है। अपन बात कर रहे थे ईश्वर भाव, ये भाव का निकृष्ट स्वरूप है। जिस भाव के अंदर हम जी रहे हैं, जिस भाव के वशीभूत होकर हम संसार में काम कर रहे हैं, भाव का जो श्रेष्ठ स्वरूप है जिस तक हम पहुंचते नहीं, वो विचार का बुद्धि का दुश्मन नहीं है, मित्र है। ये भाव जो हमारा है ये बार बार दुनिया के अंदर फिर रहा है, लेकिन इसका इकट्ठा कहां है, इकट्ठा है प्राण के पास। उस प्राण तक हमारी गति नहीं है, इसलिए जो सच्चा भाव है वो हमारे अंदर नहीं है। हम भाव के वशीभूत होकर रोते हैं, हम भाव के भूत हंसी और वशीभूत होकर हंसते हैं, भाव के वशीभूत होकर हम खेलते हैं, भाव के वशीभूत होकर हम संकल्प लेते हैं। ये सारा जो भाव है ये बार बार फिरने वाला भाव है, ये भाव बुद्धि का बैरी है। आदमी को सोचने और समझने की अवसर नहीं देना चाहता, उससे पहले ही वो उसको अपने पकड़ में कर लेता है। अगर अच्छे लोगों के प्रति भाव उसका पहले के जन्म से ज्यादा है तो बलपूर्वक अच्छे लोगों के पास चला जाता है, अगर बुरे लोगों का भाव प्रबल है तो बलपूर्वक बुरे लोगों के पास चला जाता है। ये जो भाव है ये विचार का शत्रु है। लेकिन असली भाव क्या है, असली भाव कहां से पैदा होता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से।
आत्मा और प्राण का जब संयोग होता है उस समय जो भाव उत्पन्न होता है वो असली भाव होता है, वो भाव ज्ञान का विरोधी नहीं होता, वो भाव ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है, वो असली भाव है। उस भाव तक हम पहुंच नहीं पाते और ये बाहर दुनियादारी का भाव है, इस भाव के अंदर बैठे बैठे मर लेते। अब वो असली भाव क्या होता है इसका आपको उदाहरण बताता हूं। अभी मैं कई वर्षों से, दो तीन वर्षों से बीमार चल रहा है, आगे एक संत की कृपा से कुछ इलाज हुआ। उन संत ने कहा कि उसको जाके कहते ना कि दवा तो अपना जगह काम करेगी लेकिन वो ठीक होगा गीता पढ़ने से। बीस वर्ष पहले मैंने श्री कृष्ण गीता लिखी थी और मेरी बुद्धि का दीवाला पर देखो, 20 वर्ष में कभी पढ़ी ही नहीं उसको। मैंने ये सोच दिया कि तो अपनी लिखी हुई है, अपन क्या क्या पढ़े इसको। जब वो संत ने कहा कि ठीक है गीता पढ़ने से ही होगा तो मैंने गीता को पढ़ी। गीता को पढ़ी तो उसके अंदर ऐसी बातें लिखी है जिनको मैं जानता ही नहीं। अब वो बातें उस गीता के अंदर कैसे लिखी गई जिन बातों को उस समय में जानता ही नहीं था, अब जिन बातों को 20 वर्ष में मैंने सीखा है वो बातें गीता के अंदर पहले से लिखी गई, वो कहां से आई? गीता मैंने लिखी उससे पहले 2 साल तक मैंने निरंतर गीता पढ़ी। एक अध्याय गीता का पढ़ता, उसके बाद उपनिषद पढ़ता, या किसी दूसरे लेखक की लिखी हुई गीता पढ़ता। इस तरह 2 साल तक निरंतर उपनिषदों का, गीताओं का अध्ययन करने के बाद उसका सही अर्थ समझ में आया, तब ये गीता लिखी। उस समय मेरी बुद्धि से ये गीता नहीं लिखी गई। निरंतर उस सद साहित्य के संपर्क में रहने से, उस पर चिंतन और मनन करने से प्राण और आत्मा का संयोग हो गया। उस भाव के बनने से, असली भाव था वो बना, उसमें से ज्ञान का उदय हुआ और उसके अंदर से ये गीता लिखी गई। वो है असली भाव। जब हम गहराई के अंदर जाते हैं, गहरा चिंतन और मनन होता है, तब उस भाव का उदय होता है जो प्राण और आत्मा के संयोग से भाव बना होता है। वो भाव न रोता है न हंसता है, वो भाव केवल आनंद देने वाला होता है। ये ईश्वर भाव के अंदर जो भाव है वो इसी भाव का तात्पर्य। ईश्वर के अंदर इतना उत्तम भाव है तब उसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि वो संसार पर संचालन करता है। तो जैसा ईश्वर में भाव है वैसा ही भाव क्षत्रिय के अंदर हो। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर किसको कहते हैं? शासन करने वाले, सत्ताधारी को, जिसके पास बल है उसको, उसके पास इतना बल है कि वो सारे संसार पर शासन करता है, कहीं दिखाई नहीं देता हमको फिर भी हमारे पर राज कर रहा है। अच्छे कर्म करने वालों को पारितोषिक देता है, बुरे कर्म करने वालों को दंडित करता है, फिर भी न किसी के प्रति लगाव रखता है न किसी के प्रति द्वेष रखता है। ये ईश्वर भाव है। ऐसा ही ईश्वर भाव क्षत्रिय के अंदर हो, जनता पर शासन करे, उनके रोटी पानी का व्यवस्था करे, बुरे लोगों को दंडित करे, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दे, फिर भी न किसी के प्रति लगाव रखे न किसी के प्रति द्वेष रखे। ऐसा भाव क्षत्रिय के अंदर होना चाहिए। ये भाव
जब संसार को चलाने की जिम्मेदारी भगवान के पास आई, भगवान ने सोचा तो बहुत बुरा कठिन काम है, मेरे को तपस्या करके ऐसे गुण पैदा करने चाहिए अपने अंदर जिससे मैं इस काम कठिन काम को कर सकूं। तब उस ईश्वर ने तपस्या की, तपस्या करके अपने अंदर छह गुण पैदा किए। उन छह गुणों का एक नाम है भक्ति। उन छह गुणों को अपने अंदर पैदा करने के पर उसका नाम भगवान पड़ा। सृष्टि का संचालक कौन है? ईश्वर। वो भगवान क्यों कहलाता है? उसने अपने अंदर छह गुणों का विकास किया है। उन छह गुणों का विकास करने से वो भगवान कहलाया। वही छह गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जब वो छह गुण हमारे अंदर होंगे तब हमारे अंदर क्षत्रिय का सातवां गुण ईश्वर भाव आएगा। तब हमको ये देखना पड़ेगा कि वो छह गुण कौन से हैं जो भगवान के अंदर हैं और वो उनको हमें पैदा करना पड़ेगा। उसका पहला गुण है ऐश्वर्य। भगवान का पहला गुण क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य काय को कहते हैं? धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद घोड़ा गाड़ी ये सब क्या है? ऐश्वर्य। लेकिन सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? सबसे बड़ा ऐश्वर्य है दंड को धारण करना, दंड देने की शक्ति प्राप्त करना। दंड देने की शक्ति किसके पास है? शासन के पास। यानी राज्य प्राप्त करना यह सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। ये जब ऐश्वर्य आ जाता है तो बाकी के सारे ऐश्वर्य अपने आप दौड़ के चले आते हैं। इस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए चाहे गरीब से गरीब आदमी हो चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, सब प्रयत्नशील है। लेकिन पाप कोई कितने पा रहे हैं उसमें से? 1% भी नहीं प्राप्त। क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? हर आदमी प्रयत्नशील है और सफल क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए सफल नहीं हो रहा कि इस ऐश्वर्य का एक विरोधी गुण है, दोष है। वो विरोधी दोष हमारे अंदर कायम रहता है, वो हमारे द्वारा उपार्जित किए हुए ऐश्वर्य का नाश करता रहता है। जब तक उस दोष पर हम विजय प्राप्त नहीं करें हम ऐश्वर्यशाली नहीं बन सकते। वो दोष कौन सा है? काम। काम का मतलब आजकल लोग वासना समझते हैं। काम का अर्थ वासना नहीं है, काम का अर्थ है कामना। वासना भी काम का अर्थ बोल कर आ रहे थे ए मीन के करा दे इराक में। दुश्मन कौन है? काम। काम का अर्थ है कामना, कामना का अर्थ है इच्छा। वासना भी एक इच्छा है, वो भी एक काम का अंग है। लेकिन काम का अर्थ वासना नहीं होता, काम का अर्थ होता है इच्छा। हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे को ऐश्वर्यशाली नहीं बनने देती। आज हम कमा रहे हैं, पहले से अधिक कमा रहे हैं और समझते हैं कि हम पहले से धनवान होते जा रहे हैं। लेकिन हम धनवान नहीं हो रहे, हम दरिद्री होते जा रहे हैं। दिन पर दिन हम गरीब होते जा रहे हैं। कौन बना रहा है हमको गरीब? कोई हमको हमारी कमाई को कोई लूट के ले जा रहा है क्या? कोई हमारे छीन के ले जा रहा है क्या? कोई छीन नहीं रहा, कोई लूट नहीं रहा, हम स्वेच्छा से लूट रहे हैं। किस क्यों लूट रहे हैं? अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं और कमाई
वही है वो उन इच्छाओं की पूर्ति में खत्म कर देता है। हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि चाहे हम कितना ही कमा लें हमारे पास जेब खाली रहती है हमारी। आज से 100 वर्ष पहले किसी आदमी को रुपया उधार लेना होता तो उसको किस रेट पर ब्याज पर रुपया मिल जाता था? 8 आने से 1। और आज 10 रुपये से 1। 20 गुना ब्याज देना पड़ रहा है हमको आज। तो सस्ता उधार पैसे वाले को मिलेगा या गरीब को मिलेगा? हम इसी मापदंड से तोल करके देख लें अपने आप कि आज से 80 वर्ष 100 वर्ष पहले 70 वर्ष पहले हमको 8 आने से 1 पर उधार रकम मिलती थी और आज 10 रुपये से 1 पर उधार रकम। तो हमारी मार्केट वैल्यू घटती जा रही है और हम समझ रहे हैं कि हम ज्यादा कमा रहे हैं, हम पैसे वाले हो गए, हम धनवान हो गए। अगर धनवान हो गया तो तेरी मार्केट वैल्यू क्यों घट रही है? बाजार में तेरी कीमत क्यों नहीं है? बाजार में कीमत होती है पूंजी से। उधार देने वाला ये सोचता है कि इसके पास पूंजी क्या है, कल इसकी नीयत खराब हो जाए और ये उधार नहीं दे तो मैं कैसे वसूल करूंगा? पहले आपके घर के अंदर गाय होती थी, भैंस होती थी, ऊंट होता था, घोड़ा होता था। अगर आप नहीं उधार दो तो बोरा आपका बैल ले जाए, आपकी गाय ले जाए, आपकी भैंस ले जाए, आपका ऊंट ले जाए, आपका घोड़ा ले जाए, कर लेगा ना वसूल? आपके घर के अंदर बर्तन होते थे गाय के, तांबे के, पीतल के, कांसी के, जिनको जिंदगी भर काम में लो, फूट जाए तो भी उनके बिकने के पैसे मिलते थे। उनको बाजार में बेच आओ, किसी भी टाइम पर जाकर के बेच दो, पैसे ले आओ। अब आपके घर के अंदर न तो पशु है न आपके घर के अंदर बर्तन है। सेठ जी ने हमको क्या सिखाया? ठाकुर साहब ये चमाचम स्टेनलेस स्टील और सारे अपने कांसी के, पीतल के, तांबे के जो बर्तन थे वो मैं मालूम कब बिक गए। इन पढ़े लिखे बुद्धिमानों ने उनको बेच करके और वो लोहे के ठीकरे ला करके अपने घर में। जिनकी खरीदते वक्त तो कीमत है, वापस बेचने जाओ तो कोई देला ही नहीं दे। स्टेनलेस स्टील का बर्तन बाजार में वापस बिकता है क्या पुराना? तो जो आपके पास कांसी का बर्तन था, तांबे का बर्तन था, पीतल का बर्तन था, वो क्या था? पूंजी थी। जब चाहे तब उसको बेच करके आप जैसे जो चीज खरीद सकते। आज आपके घर के अंदर जो बर्तन है वो पूंजी नहीं है, वो अटावा है। हमने हमारे पैसे को बर्बाद किया। हमारे घर के अंदर गरीब से गरीब आदमी के भी आधा किलो की कड़ी, आधा किलो की हसली, गरीब से गरीब काश्तकार के भी, समाज के भी, औरतों के पैरों में मिलती। देश के अंदर चांदी सोना जितना आदमी की सामर्थ्य उसी देता था। किसलिए देता था? ये पूंजी है, मुसीबत के समय काम आएगी। गैर पूंजीगत सामान हमारे यहां दहेज में नहीं दिया जाता था। और आज सारे हमारे
हमारे घर के अंदर जितना सामान भरा हुआ है सब गैर पूंजीगत सामान है। हमारा सोच इस पूंजीपति ने प्रचार के माध्यम से इतना बिगाड़ दिया कि हमारे में सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं रही। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी की शादी करता तो उसको जाजिम देता था। घर के अंदर 20 आदमी आ गए मेहमान मिलने वाले, पीछा तो बैठा था। आज कोई जाजिम दे रहा है क्या? क्या देते? सोफा से जेंटलमैन बैठेंगे उसके ऊपर। 3 आदमी सामने बैठ जाओ और 2 आदमी बगल वाले बैठ जाओ, इसमें एक आदमी तो घर के अभी बैठेगा कि नहीं? और 5 आदमी से 6 आदमी आ जाए तो कहां बैठे? बाबूजी के सिर पर। तो हम बुद्धिमान बन रहे हैं या मूर्ख बन रहे हैं? अभी इसी सब की बात है, स्वयंसेवक ने मेरे को कहा, साहब हमने कुछ मांगा तो था नहीं, हमारे मेरी शादी हुई तो ससुराल वालों ने कुछ भी ना दियो मुझको। अरे कुछ भी ना दियो, केवल एक सिलाई मशीन दी। फिर थोड़ी देर बाद बातों में वो कहता है, मेरी जो पत्नी है वो सिलाई का आजकल बहुत काम आता है गाँव में, सीना आता नहीं लोगों को। तो कहते गांव की औरतें राजपूतों की हैं, कपड़ा लाके दे देती है, वो सीती है। मैंने के 4,000-5,000 रुपये सिलाई से कमा दी। अब उसने कछुआ ना दियो, वो 5,000 रुपये मैंने के कमाई दे रही है। और आपका वो सोफा सेट फ्रीज कूलर ये कोई अपने को कमाई दे सकते हैं क्या? ये तो खर्चा ही करता है। तो हमारा सोच इतना बिगाड़ दिया इस पूंजीपति ने कि हम यही नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है कौन सी चीज। ये पूंजीवाद इसी को कहते हैं। बाजारवाद का नाम पूंजीवाद है। हम बाजार के उपाश्रित हो जाए हर काम के लिए। आज हम हर काम के लिए बाजार पर आश्रित हैं और फिर समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। घर को बदल का कचरे से, आपके घर में एक भी चीज ऐसी नहीं है आज जिसको बेच करके आप दूसरे सामान ले आओ। एक बदमाश लड़का था, पैसे वाले घर का था, बनिया पिताजी से किताब लानी है करके कई दफे पैसे लिए। एक रोज फिर पैसे मांगे, पिताजी तंग आए हुए थे, ये पैसे बिगाड़ता है कहीं। मैंने कहा चल मैं किताब दिला देता हूँ। देखे बुक सेलर की दुकान पर, किताबें तो उसके पास सब थी लेकिन अब कहा था किताब नहीं है, तो खरीदी किताब खरीद करके और वो पिताजी उसको छोड़ गए घर। पिताजी गए वकील थे अपने कचहरी, वो गया दुकानदार के पास। दुकानदार के पास जाके कहा ये किताबें तो मेरे पास थी, मैं गलती से ले गया, किताब दे दो पैसे दे दे। 1,000 रुपये की किताबें थी, उसने 500 रुपये वापस दे दी। उन्होंने कहा 500 दे दी किताब 1,000 की, सेकंड हैंड है। दुकान के बाहर निकल के वापस आ गई तो सेकंड हैंड हो गई आधी कीमत। ये है दुकानदारी। और हम इस दुकानदारी का मतलब नहीं समझ पाते कि कैसे हम ठगे जा रहे हैं, कैसे हम हमारी पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी था, उसने अध्ययन किया कि पिछले 60 वर्षों के अंदर आदमी का खर्चा कैसे बढ़ा है। तो क्या परिणाम आया? आज से 60 वर्ष पहले हम अपने भोजन पर जितना पैसा खर्च करते थे, इतनी महंगाई बढ़ने पर भी उससे खर्चा 40 गुना बढ़ा। और कपड़ों का खर्चा 60 गुना बढ़ गया। कपड़ा जरूरी है या भोजन जरूरी है? ये अपने खेतों में अड़वा खड़ा करते हैं ना, रात को कोई पशु नहीं आएगा,
उस अड़वे को बढ़िया बुशर्ट और पैंट पहना दो तो आदमी बन जाएगा क्या? पंद्रह जी से चालीस हो जाएगा तो टांग तो चक्कर खाए चादर से मुंडा पर जुड़ी पे रेडी और बढ़िया पैंट और बुशर्ट पहन ले देना बस आदमी बन जाएंगे। रिंगा अड़वा का अड़वाई तो हमारी सोच खत्म हो गई कि क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है। ऐश्वर्यशाली बनना है तो इस सोच को पैदा करना पड़ेगा। आवश्यक चीजों पर पैसा खर्च करें, अनावश्यक चीजों पर पैसा नहीं करें। आज हमारा सारा पैसा अनावश्यक चीजों पर खर्च हो रहा है। अभी अभी एक अखबार में सर्वे छपा है कि हिंदुस्तान के अंदर गरीब क्यों है। उसने गरीबी के दो कारण बताए, एक बीमारी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च, इलाज इतना महंगा है हर आदमी बीमार है, बीमारी पर अत्यधिक पैसा खर्च हो रहा है। दूसरा उसने कारण बताया ये मृत्यु कर्म के अंदर अनावश्यक काफी पैसा। ये दोनों खर्च अगर बच जाए तो आज गरीब है वो पैसे वाला बन जाएगा। हम कभी सोचते हैं क्या कि अनावश्यक खर्चे हैं? दारू पीना जरूरी है या बच्चे बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है? दारू पी के पैसा बर्बाद कर देते और बाद में कहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं शराब पीने पर? क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं नुक्तों पर? और साहब ये नुक्तों का काम तो मध्य प्रदेश में जाने। आज के जमाने में भी इतनी समझ नहीं आई, 400-400 बोझी श्रेणी की गलती है नुक्ता। जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका अनावश्यक चीजों पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। पहले किसी के पास 4 पैसे की बचत होती तो ऐसा सामान लाता था जो 4 आदमियों के काम में आए। कड़ावा ले आया, कोई पानी की टंकी ले आया, कोई जाजिम बनवा ली किसी ने, कोई बड़ी फर्श बनवा ली, किसी की ब्याह शादी हो, फला के यहां से कड़ावा ले आओ, फला के यहां से पानी की टंकी ले आओ, फला के यहां से फर्श ले आओ, सामान इकट्ठा हो गया और शादी हो गई। शेर जी ने कहा ठाकर साहब आपको मुंडोल मांगवा लाए, आप पूछकर मांगवा जाओ, आप नो टेंट हाउस। अब सामान आने लगे टेंट हाउस से तो घर के अंदर बिछाने के लिए दरी भी नहीं ठाकर साहब के। 10-20 आदमी आ जाए घर के अंदर जाजिम भी नहीं है ठाकर साहब के। बड़े बड़े ठाकरों के गांव के अंदर गया हूं मीटिंगें करने के लिए, 100-200 आदमी इकट्ठे हो जाए उनको बिछाने के लिए सारे गांव के अंदर फर्श नहीं। या तो टेंट हाउस से लाओ या फिर ये सब्जियां बेचने के लिए जाते हैं ना उनके लिए पल्लियां, वो पल्लियां बिछाते हैं। ये बुद्धि का दीवाना है या बुद्धिमत्ता है? लेकिन हम दूसरों के फैलाए हुए जाल में फंस, हमारे घर की जो संपन्नता थी कम खर्चा हो बचत हो उस बात को भूल गए। और आज टेंट हाउसों के अंदर एक एक शादी के अंदर लाख लाख 2-2 लाख रुपए मिलाता है। वही काम घर के सामान से इकट्ठा हो जाता, गांव के सामान से हो जाता तो ये फिजूल का खर्चा बचता कि नहीं बचता? पहले ये बचा हुआ ही था, लेकिन जब से हम पढ़े लिखे इस प्रचार के चक्कर में फंसे तब से हमने हमारी सारी अकल को बेच खाया, हमारी अकल को खरीद के ले गया बनिया और हमको दे गया बदले में दरिद्रता।
मेरे गांव में एक माली था, उसके लाखों रुपए की बोर्ड चलते। वो अपने पोते को गोदी में लेकर के जा रहा था। बाबू साहब ने इस बाबा दिया घुमाटे आज उसको शूट पहना रखा था बच्चे को। बाबू साहब ने कहा अरे गोमा है कहीं लखनसी के तू? वो समझ गया इस बच्चे को शूट पहना रखा है इसके लिए। कहते महाराज आपको वो टाबर लिया हो जो पहना दिया। कहे तू आप बता कि मेरे घर कमाने कतार रुपये मैंने कल कहा जी, क्योंकि महाराज 30,000-40,000 रुपया तो आता ही होगा। मेरी बोल तो चल रही कि सुनी तो बोले तेरी कतार की बोल तो चल रही 5-7 लाख की तो चलती है। तो कहते फन फना सीख को तो बोर्ड सब हवा हवा हो जाएगी, माँ की सारी कमाई फन फनाट में जाएगी। इस फन फनाट के अंदर दरिद्रता के अलावा कुछ भी नहीं है। अनावश्यक खर्चे हम करना ठीक है। एक बडनगर का स्वयंसेवक था, उसको कार तो कैंप में कैसे नहीं आया? तो कहा मेरे पास ड्रेस नहीं थी। क्या ड्रेस नहीं थी भाई? काला नेकर तो तेरे पास है, सफेद कमीज भी है, क्योंकि पीटी शूज नहीं थी। तो तू तो पैसे वाले घर का आदमी, पीटी शू नहीं खरीद सकता था? तो खरीद तो सकता था, लेकिन मेरे पास 7 जूते पहले थे। अब पिताजी को 8वां जूता खरीदने के लिए पैसे मांगते सर भाई, इसलिए मांगे थे। अब आप बताओ उस समय वो 9वीं क्लास में पढ़ता था। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पास 7 तरह के जूते, कोई सिर पर रखने के लिए है, कानों पर बांधने के लिए। क्या करता है साथ? देखा देखी खर्च कर। उसके ऐसा है तो मेरी भी ऐसा होना चाहिए। ये कामनाओं का विस्तार है, इच्छाओं का विस्तार है, जो हमको अनावश्यक चीजों पर खर्च करके और दरिद्री बनाता है। आज हमारे घर के अंदर खाने की चीज नहीं बनती। खाने की चीजें सब बाजार में से आती है। पापड़ मंगोड़ी भी बाजार के आइटम हो गए। जितना हम बाजार में जाएंगे उतना ही लूटेंगे, और जितना घर के अंदर रहेंगे उतने ही संपन्न बनेंगे। तो ये जो हमारी मानसिकता इस पूंजीपति ने प्रसार के माध्यम से बनाई है, बाजार अच्छा है। इस बाजारवाद को त्यागेंगे नहीं तब तक इस पूंजीपति की लूट से हम बच नहीं सकते। अपने आप को सोच बदलनी पड़ेगी हमको, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा। इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती, इच्छाओं के पीछे ये संसार चलता है। इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो संसार ही गायब हो जाएगा। 7 ऋषि हैं जो संसार का संचालन करते हैं। वो 7 ऋषि प्रलय में भी नष्ट नहीं होते, प्रलय के बाद दोबारा उस संसार की सृष्टि हुई ऋषि करते हैं। उन 7 ऋषियों में से एक ऋषि काम भी है, इसलिए खत्म नहीं हो सकता। इस सृष्टि का मूल कारण है कामना, इच्छा। तो इच्छाओं को खत्म नहीं किया जा सकता कभी भी, लेकिन इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। हम 2 भागों के अंदर बांटे अपनी इच्छाओं को, एक आवश्यकता है और दूसरी सुविधाएं। सुविधाओं का त्याग करें, आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसीलिए पहले लोग कहते थे कमाने से कोई धनवान नहीं बनता, धनवान वो बनता है जिसको खर्च करना आता है। आज हम कमाते हैं, कमाना तो हमको आता है, लेकिन हमको खर्च करना नहीं आता। फिजूल के कामों में पैसा खर्च करते हैं, देखा देखी पैसा खर्च करते हैं, कंपटीशन में फंस जाते हैं अपने से ज्यादा पैसे वाले के, और इस तरह से हम अपने आप को दृढ़ बना लेते हैं। कमाएं, ऐश्वर्य का उपार्जन करें और उसको नष्ट होने से बचाएं।
इच्छाओं को नहीं बढ़ाए, इच्छाओं को सीमित करें, आवश्यकताओं की पूर्ति करें और सुविधाओं को छोड़ें। आज संसार में सबसे ज्यादा मोबाइल हिंदुस्तान के आदमी के पास है, और फिर हमारे कृष्णवर्धन सिंह जैसे लोग तो कहते हैं ये तो मस्ट है। कौन सा? ये साधारण फोन नहीं, वो है हाँ, वो तो मस्ट है। और वो मस्ट इनको पागल बना के छोड़ेगा, ये मेरी गाड़ी। अगर ये बेमौत मरे नहीं तो ये सही सलामत नहीं मर सकते, ये पागल होकर मरे, ये मेरी गारंटी है। दो घंटे का तो समय बर्बाद करते हैं नेट पर, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा खर्च करने वाले तो बहुत हैं, और कम से कम 500 रुपये महीने के खर्च करते हैं। उस दो घंटे के अंदर से ये एक घंटा भी बचा ले, एक घंटा भी कोई किताब पढ़े तो ये मिनट बन जाए। लेकिन उस नेट के कचरे को इकट्ठा करके ये समझते हाँ संसार की ज्ञानी हो गई। और जितनी भी सूचनाओं के बारे में मैंने नेटियों से पूछा कि ये नेट पर देख के बताना इसका क्या मतलब होता है, एक भी सही नहीं बता सका। सारा कचरा भरा उस नेट के अंदर, संसार भर की सारी गंदगी नेट पर है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी साबुरा कहने लगे सही तो कंप्यूटर होता है, आदमी तो गलत ही होगा। मैंने कहा जी कंप्यूटर में फीड कौन करता है? कंप्यूटर के दिमाग होता है क्या? दिमाग तो नहीं होता, उसमें फीड कौन करता है? फीड तो आदमी करता है। तो फीड करने वाला ही गलत है, तो उसमें से निकलने वाला माल सही कैसे होगा? उस नेट पर सूचनाएं डालने वाले मूर्ख लोग बैठे हैं, तो उसकी जानकारी सही कैसे होगी? अध्ययन करेंगे तो बुद्धि का विकास होगा, कुछ सोचने और समझने की शक्ति आएगी। ए जानवर की तरह कैसे बैठा? ये पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी होता तो ऐसे कभी भी टांग नहीं फंसाता, कहीं भी देख लेना आप ध्यान से। अनपढ़ आदमी होगा क्योंकि अनपढ़ आदमी समझता है कि मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी सोचता मैं तो ज्ञान का भंडार हूं, टांग ऐसे करके बैठू तो ऐसे करके बैठू, उसमें ज्ञान मेरा कहां कमजोर होता है। ये सारी चीजें हैं जिन पर हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर हम जा पा रहे हैं, ये अनावश्यक खर्चे हम क्यों मान रहे हैं। मैंने कभी मोबाइल नहीं रखा, मेरे चेप दिया इन समझो को, कहा साहब आपको आवश्यकता नहीं लेकिन हमको आवश्यकता है, आप तो इसमें 4 बजे गलत मत करना, इसको लिए बैठे रहो, हम टेलीफोन कर लेंगे, बात कर लेंगे। आ गया इनके चक्कर के, ले लिया वो इनसे मोबाइल, इन्होंने पॉकेट में दिया मेरे को, मैंने खरीदा वो ही है मेरे पास पॉकेट वाले, मैंने खरीदा नहीं। मेरा पोता कहता है दादा ये मोबाइल कितना पुराना है, मैंने कहा भाई 10-12 वर्ष को पुराना, आप किसी को हाथ नहीं लगाने देते इसीलिए इतने दिन चल रहा। वो कंपनी ने वो मोबाइल ही बनाना बंद कर दिया लेकिन मेरे पास तो चल रहा है वो, और अब सुनते सुनते बात करने की आदत पड़ी। अब 200-250 रुपए का तो दूध हर महीने लग ही जाता है। तो एक समझदार आदमी की अकल मानू, फिर एक रोज आए तब मैं चक्कर में नहीं आया, साहब एक गाड़ी खरीद के देने आप, महंगा गाड़ी का क्या करोगे? ये कहीं आना जाना पड़ता है तो गाड़ी तो चाहिए। मैंने कहा चलाएगा कौन उसको? अपने गणेश स्वयं से ड्राइवर है, किसी को भी साथ पकड़ो, पेट्रोल कौन डलाएगा? पेट्रोल तो जहां जाना होगा वो डलाएगा। कौन सा? विजय सिंह जी ने चुनाव लड़ा, मेरे दो मित्र ऐसे हैं
जिन्होंने जिंदगी में राजनीति में रह करके एक पैसा भी किसी से खर्च नहीं करवाया अपने ऊपर। एक मोहर सिंह जी लाता हूँ जो MLA भी रहे, MP भी रहे, दूसरे विजय सिंह जी, वो गंगानगर जिले में रहे थे, वहां के उनके संपर्क वाले पैसे वाले थे, वो गाड़ियां और पैसा सब लेकर आते थे, चुनाव लड़ा करके चले जाते थे। वो चुनाव लड़ाया, उसके बाद उनके पास पैसे बच गए। कंवर साहब आपको ये जीप खरीदते हैं, अभी ये तो हमारे इकट्ठा किया हुआ पैसा है, इसको कौन रखेगा? हाँ, कहते मेरे को भीख मांगना सिखा दो, जीप तो तुम दर्जाओगे, फिर इसमें डलाने के लिए डीजल पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? फिर किसी को कहूंगा मेरे को लेकर ना आए तो इसमें डीजल डलवा। ये भीख मांगने का धंधा मेरे से करवाना चाहते हो? मैं नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो आदमी अपनी बुद्धि से काम करेगा तो ही अपने खर्चे बढ़ाने से बचा सकता है, दूसरों को देखा देखी चलेगा तो नहीं बचा सकता। अपने ऐश्वर्य का नाश हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करने के कारण से कर रहे हैं, दूसरों के मानसिक गुलाम हो गए हम पूंजीवाद के, इसलिए कमाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। अब आप एक बात देखना, ये पूंजीपति आजकल अच्छे योग्य लड़के हैं, इनको बड़े बड़े पैकेज देके नौकर रखते हैं, लेकिन उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलने देते, इतना काम करवाते। कुछ लोग जिनके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है सोचने लगे इस बात को। मैं कम से कम 10 लोगों को ऐसा जानता हूं जिनके पास 10-15 लाख साल का पैकेज था और नौकरी छोड़ गया। क्या ये कोई जिंदगी है क्या? अपने घर वालों से के पास नहीं जा सकते, अपने बाल बच्चों से बात नहीं कर सकते, सुबह से लेकर रात को सोते हैं तब तक लगातार जोते रखते हैं हम। क्यों जोते रखते हैं? हमारा सोच ये हो गया कि बस पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, और फिर उस पैसे को कमा करके खर्च कैसे करेंगे, क्या करेंगे उस पैसे का? अगर हमको 5 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो उस पैसे को कमा करके हम करेंगे क्या? हम घरवालों के साथ नहीं बैठ सकते, हम सगे संबंधियों के यहाँ नहीं जा सकते, हम समाज के अंदर नहीं जा सकते, और पैसा कमा करके करोड़पति हो गए, फिर उस पैसे का उपयोग क्या होगा? कम कमाए, अच्छी सोबत मिले, अच्छी जगह बैठे, पढ़ने का लिखने का समय मिले, तो आदमी कम से कम इंसान तो बन जाएगा, वो अपनी जिंदगी का कोई उपयोग तो कर सकेगा। अभी तो गाड़ी की बैल की तरह ये दुनिया चल रही है, दिन रात चलता है, चक्कर नहीं आए, इसलिए गाड़ी के बैल को तो आप लोगों ने देखा नहीं, दिल से बांध देते थे आंखों पर ताकि वो लगातार घूमता रहता है तो चक्कर नहीं आए। ऐसे हमारी अकल के डीबले बांध रखे हैं पूंजीपतियों, और हम रात दिन कमा करके उनको देते हैं, पैसा वो इकट्ठा कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी में हमको 4 पैसे ज्यादा देके हमको मानसिक गुलाम बना लेते हैं। इन सब बातों पर हम विचार नहीं करेंगे तब तक इन कामनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो कमा करके ऐश्वर्यशाली हम बनना चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन ऐश्वर्यशाली हम तब तक नहीं बन सकेंगे जब तक अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करें। ये हुआ भगवान का पहला गुण। दूसरा गुण है